मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा बनने वाले एक्सप्रेसवे के बारे में, मतलब गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। अब हम बात करेंगे, काफ़ी समय से सवाल आ रहे हैं कि सर, हमें जितने भी गंगा एक्सप्रेसवे में डिस्ट्रिक्ट आ रही है उनके कंफर्म बिल्कुल नाम बता दो, जो बिल्कुल जिन डिस्ट्रिक्ट से, जिन जिले से होकर गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर आज हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन कल ही जो है UPDA के माध्यम से और आपके ट्विटर अकाउंट, UPDA के ट्विटर अकाउंट पर एक इमेज डली है, जिसमें दर्शाया गया है कि जितने भी गंगा एक्सप्रेसवे में जिले है, कौन कौन से ज़िले से होकर गुजरेगा, वो सारे ज़िले इसमें दर्शा दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि गंगा एक्सप्रेसवे में आपके मेरठ से लेकर और आपके प्रयागराज तक 13 ज़िले पड़ते हैं, और 13 ज़िलों के जितने भी तहसील है उनके गांवों से होकर गुजरे हैं, और इसमें जितने भी ज़िले हैं कुछ ज़िलों के पास से गुजर रहे हैं, या कोई डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के गांवों से होकर ये गंगा एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वो कौन कौन से 13 ज़िले हैं जिनके बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहला है आपका मेरठ, दूसरा गाज़ियाबाद, तीसरा बुलंदशहर, चौथा हापुड़, पांचवा अमरोहा, छठा संभल, सातवा बदायूं, आठवा शाहजहाँपुर, नौवा हरदोई, दसवा उन्नाव और ग्यारहवा रायबरेली, बारहवा प्रतापगढ़ और तेरहवा आपका प्रयागराज है। दोस्तों, मैं अभी सभी दर्शकों को बता दूं कि सभी क्षेत्र में जो है कार्य जो है चल रहा है, और जल्द से जल्द जो है जो कार्य हो रहा है वो जल्द से जल्द समाप्त करने के बाद में आपके सभी डिस्ट्रिक्ट के जो है नोटिस और भूमि अधिग्रहण का कार्य जो है जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में इसका उद्घाटन होना है। उद्घाटन भी हम बोल सकते हैं या शिलान्यास हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो मेरठ ही है, और मेरठ से ही इसकी शुरुआत होनी है, जो मेरठ से ही बनना शुरू होगा, और इसका जो समय शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट जो उद्घाटन किया जाएगा वो भी मेरठ से ही किया जाएगा। तो ये 13 ज़िले हैं जिनसे गंगा एक्सप्रेसवे होकर गुजर रहा है, और इनमें कोई भी बदलाव नहीं है। अगर कोई अखबार में कोई न्यूज आ रही है या इनमें से कोई डिस्ट्रिक्ट आपका नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कंफर्म डाल दिया गया है बिल्कुल जिन ज़िलों से होकर गुजर रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है या आपका कोई विचार है तो आप हमें कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हो। फिर मिलते हैं हम किसी नई जानकारी के साथ और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।